स्वागत छे। अरवली जिला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मोड़ासा खाते जिला छात्र हुंकार सम्मेलन योजायो। छात्र सम्मेलन आयोजन प्रसंगे मोड़ासा चार साथ कॉलेज सुधीना मार्ग पर एबीवीपी ना ध्वज लगाववामां आव्या हता। मोड़ासा कॉलेज कैंपस में आवेला भामासा हॉल में योजायेल सम्मेलन में एबीवीपी ना राष्ट्रीय मंत्री होशियार सिंह मीणा तेमज आरएसएस ना अग्रणीओ तेमज भगिनी संस्थाओं ना अग्रणीओ हाजर रह्या हता। साथे साथे एबीवीपी ना छात्र सम्मेलन में मोटी संख्या में विद्यार्थीओ तेमज विद्यार्थिनीओ हाजर रह्या हता। सम्मेलन की शुरुआत दीप प्रागट्य करी करवामां आवी हती, त्यारबाद अग्रणीओ द्वारा प्रासंगिक उद्बोधन करवामां आव्युं हतुं। कॉलेज कैंपस से मालपुर रोड पर आवेला रोकड़े हनुमानजी मंदिर सुधी एबीवीपी द्वारा रेली नुं पण आयोजन करवामां आव्युं हतुं। रेली बाद योजायेली जाहेर सभामां अग्रणीओ द्वारा एबीवीपी ना आरंभनी कहानी तेमज वर्तमान समयनी कामगीरीनी जाणकारी भाषण स्वरूपे लोको अने विद्यार्थीओने आपवामां आवी हती। रिपोर्टर अल्पेश राठौर, अरवली। देखिए, पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद के द्वारा जिला सम्मेलनों के आयोजन किए जा रहे हैं और उन जिला सम्मेलनों का उद्देश्य यही है कि वहाँ की छात्रों की समस्याओं को लेकर, वहाँ के छात्रों की समस्याओं को लेकर समाधान की मार्ग प्रशस्त करने का काम विद्यार्थी परिषद करेगी। यहाँ पर अभी 3 प्रस्ताव पारित होंगे, उन प्रस्तावों में यहाँ की लोकल समस्याओं को, छात्रों की समस्याओं को समाधान की ओर ले जाने का काम विद्यार्थी परिषद करेगी। यहाँ पर जिस तरीके से विश्वविद्यालयों की स्थापना हो और यहाँ पर खेल एकेडमी बने, इस तरीके की चीज़ें यहाँ प्रस्तावों में शामिल होंगी और इन सम्मेलनों का उद्देश्य यही है कि यहाँ के छात्रों की समस्याओं को किस तरीके से समाधान की मार्ग में हम ले जा सकें, उन्हीं उद्देश्यों के साथ में ये जिला सम्मेलन पूरे देश भर में विद्यार्थी परिषद कर रही है। गुजरात में अभी पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए बीजेपी ने कई कदम उठाए हैं, ज्ञापन भी दिया है, लेकिन आगे की रणनीति क्या रहेगी, ऐसी फिर से ऐसी घटनाएं ना घटें? देखिए, विद्यार्थी परिषद एक गैर राजनीतिक छात्र संगठन है। इस तरीके की घटनाओं पर विद्यार्थी परिषद का स्पष्ट मत है कि छात्रों के भविष्य के साथ में, छात्रों के करियर के साथ में कोई भी किंतु परंतु नहीं चलेगा। विद्यार्थी परिषद इन चीज़ों को प्रमुखता से शुरू से उठाती आई है और इस तरीके की पेपर आउट की घटनाओं पर रोक लगे, इस तरीके की चीज़ों पर रोक लगे, इसको लेकर विद्यार्थी परिषद ने ज्ञापन भी दिया है और जरूरत पड़ेगी तो और भी चीज़ें करेंगे, लेकिन विद्यार्थियों के भविष्य का साथ में खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमारा स्पष्ट मानना है। ये नया जिला है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है, कई कई सालों से जो छात्र है दूर तक जाना पड़ता है, अभी तक कोई कार्यवाही एबीवीपी की ओर से कोई ज्ञापन भी नहीं दिया। देखिए, आज मैंने अपने उद्बोधन में भी ये विषय रखा है कि यहाँ विश्वविद्यालय खुले, क्योंकि यहाँ पर आसपास 150-200 किलोमीटर के एरिया में विश्वविद्यालय नहीं है, या खेल अकेडमी बने, ऐसे प्रमुख चीज़ों को यहाँ पर उठाया गया है और उन प्रस्ताव के माध्यम से इन चीज़ों को हम लोग रखेंगे और इन प्रस्तावों में ये प्रस्ताव पारित करेंगे जो जिला प्रशासन के साथ में, यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, यहाँ के जो तमाम जो लोग हैं खेल मंत्री हैं, उनको प्रस्ताव दिए जाएंगे और समस्याओं का समाधान करने का काम विद्यार्थी परिषद करेगी।